देखो बच्चों, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दिया है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। सो दिस इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। करेक्ट बच्चों? इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। देखो ये हमारा मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। ठीक है, ये मिरर है और यहाँ से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? ये सी है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस हुआ ये कितना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये देखो मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर है बच्चों, और मैंने तो कंकेव बना दिया, मतलब गलत कर दिया ना, कन्वेक्स मिरर बनाओ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों, और ये कार का रियर व्यू मिरर है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एप्लीकेशन याद करने के लिए बोला था मिरर्स की, क्या आपने की? और बच्चों यहाँ तक के चैप्टर का एक दो बार ये न्यूमेरिकल हो जाते हैं, एक दिन का टाइम ले लो, उसके बाद टेस्ट दे दो। और मैथ के उस चैप्टर का भी बच्चों आपको टेस्ट देना है, रिकॉर्डिंग वाले सुनने वाले बच्चे भी सुन लो, आपको भी टेस्ट देना है। देखो बच्चों जरा, ये हमारा पोल हो गया और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बैक साइड में होगा, और ये हो गया बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक आर, और आर हमें दिया हुआ है कितना? 3 मीटर। ध्यान से समझना है इसको, ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आएगा, या तो रे डायग्राम बनाना आएगा और प्लस उसके साथ न्यूमेरिकल अटैच होगा। ठीक है, ज्यादा चांस इसी चीज के होते हैं। ये क्या कह रहा है? इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बच्चों यहां पर है बस, बस कहां पर है? यहां पर है, राइट? ये बस है हमारी, बस इज लोकेटेड, और बस कहां पर है बच्चों? यहां से 5 मीटर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव। पोल के लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और पोल के राइट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। बच्चों सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना था? 3 था, मतलब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे है? 3 पे। तो आप पोल से मेजर करना शुरू करोगे 3 को, और यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस क्योंकि राइट को मेजर कर रहे हैं आप, राइट, इसलिए कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा बस बच्चों यहाँ पर है, और डिस्टेंस कहाँ से सामने मेजर करना है? पोल से। सो पोल से बस कितनी दूर है? 5 मीटर। ये इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये डिस्टेंस हमने लेफ्ट पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे मेजर किया है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कितना हो जाएगा? -5। यू इज इक्वल टू -5। यू क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज बस, ऑब्जेक्ट तो बस है, तो बस का पोल से डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, और उसको हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है। और वैसे भी बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चों इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी वो भी हमें फाइंड करनी है। एक फॉर्मूला पता नहीं हमने किया था या नहीं किया था बच्चों, हाँ किया था, कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का और पोल का मिड पॉइंट होता है। किसी भी मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होता है? फोकस। फोकस और ये लेंथ क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका आधा होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एफ इज ऑलवेज इक्वल टू आर अपॉन टू, करेक्ट? ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, ऑल राइट बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो क्या हम इससे फोकस निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। आर इज व्हाट? आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2,
सो आप इसको अभी या तो 3/2 ही रखो या 1.5 लिख लो, वो हम देख लेंगे हमारे न्यूमेरिकल में को किस टाइप की वैल्यू यूज करना ज्यादा इजी है, राइट। अगर फ्रैक्शन में ही यूज करना ज्यादा इजी है तो हम इसको फ्रैक्शन में रखेंगे, और अगर डेसिमल में यूज करना इजी है तो हम इसको डेसिमल में यूज कर लेंगे, करेक्ट। अच्छा आगे क्या कहता है बच्चों, क्या निकालना है आपको, वी निकालना है, ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो एक सिंपल सी बात बच्चों, जो एक फॉर्मूला होता है जो इन फोकल लेंथ को इमेज डिस्टेंस को और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कनेक्ट करता है, मतलब आपस में रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, वो क्या होता है, मिरर फार्मूला। दैट इज 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर फार्मूला होता है, इसको याद करो, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है बच्चों, 1/v फाइंड करना है। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, 1/f - 1/u, करेक्ट। अब इसमें वैल्यूज डाल दो बच्चों, 1/f हमारे पास है, 1/f कितना है, 3/2, कितना है, 3/2, 1/f, सॉरी अंडू भी नहीं होता इसमें। बताओ बच्चों हम कहां पर थे, 1/-1/u = 1/v, ये लिखा हुआ था जब इरेज होने से पहले। सो 1/f, f की वैल्यू बताओ कितनी है, f हमने फाइंड किया था 3/f 3/2 था। सो 1/f कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 हो जाएगा, 3 और 2 चला जाएगा ऊपर, -1/u, u बताओ बच्चों कितना है, -0.5, सॉरी -5। सो 1/u = 1/v, समझ आया सानवी। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 + 1/5 = 1/v, राइट। डेसिमल यूज करना ज्यादा इजी था, हाँ ज्यादा इजी था। तो कितना आ गया बच्चों, 13/15 = 1/v, और v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15/13, डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू निकालना है। डिवाइड करो बच्चों और डेसिमल, या 3/2 यूज करना ही ज़्यादा इजी होगा, फ्रैक्शन तो तभी रहा ही, तो डेसिमल लेने का कोई फायदा, 3/2 यूज। पर ये बेटा 2/3 हो जाएगा। क्या बेटा, साइज और हाइट योग, कैसे बोलो बेटा, साइज और हाइट एक ही चीज होती है, साइज और हाइट बच्चों एक ही चीज होती है। वन अपॉन वी की वैल्यू बच्चों आपकी क्या आई है बताना, बोलो कितना, 13/15। तो v की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 15/13। अब 15 को 13 से डिवाइड करना, ठीक है, v = 1.15। पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, इमेज कौन से साइड पे बनेगी,
मिरर के राइट हैंड साइड, पोल के राइट हैंड साइड में बनेगी, ठीक है। अच्छा हाइट कैसे निकालोगे बच्चों, हाइट का फार्मूला बताओ। बच्चों यहां से मैग्नीफिकेशन निकालो, पहले यहां से मैग्नीफिकेशन निकलेगा। मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा बताओ, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, और दूसरा क्या होता है? माइनस बी अपॉन, यही होता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालो बच्चों, कितना आ गया? माइनस बी अपॉन, माइनस बी अपॉन यू, बी की वैल्यू बताओ। 1.15। यू की वैल्यू बताओ ना, यू की वैल्यू 5 कैसे हुई? देखो भैया यू की वैल्यू आपको क्या लिखवाई है, फिर यू कितना था? माइनस 5, माइनस से माइनस कट हो गया, ठीक है। 1.15 अपॉन, करो इस वैल्यू को फाइंड, कितना आता है? 0.0। सभी अपनी बुक बंद कर दो, ठीक है, सिर्फ नोटबुक ओपन रहनी चाहिए। और जो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है वो ये क्वेश्चन करके दिखाएं, नहीं समझ आता तो मुझे बताएंगे। मायरा देख लेना का कब जाना, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। जो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है बच्चों वो क्या होता है? h। ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है? h, 4.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है, राइट? गलत बना दिया, कन्वेक्स बना दिया, ऐसे बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? वो ये होती है, और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है आपको। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यह ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? फ्रंट पे। कितना दूर? 25 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। एंड बच्चों आप जानते हो, क्या जानते हो? कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। 25 सेंटीमीटर, ये क्लियर हुआ सबको? और फोकल लेंथ इज दिस, ये फोकल लेंथ किसकी है बच्चों? कनकेव मिरर की है। अच्छा एक बात बताओ, पिछला मिरर कैसा था? पिछला मिरर कैसा था? कन्वेक्स। मोनिया बताएगी, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ बच्चों कनकेव मिरर की है तो क्या लेंगे? -15 सेंटीमीटर, क्लियर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज? इसका क्या मीनिंग है, कौन एक्सप्लेन करेगा? तो कर दो बताओ, ये कह रहा है कहां स्क्रीन कहां रखें? तो स्क्रीन तो वहां रखेंगे जहां पर इमेज बनेगी, और इमेज कहां बनेगी? तो फिर यही पता कर लेते हैं इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, वी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें ये चीजें पता लगने के बाद तो बच्चों कुछ रहता ही नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है वही लगाना होता है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला?
मिरर फार्मूला बताओ जरा क्या होता है। 1/f = 1/u - 1+1/v निकालना क्या हमें, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो 1/v क्या हो जाएगा बच्चों, 1/f - 1/u। वैल्यू डालो और आंसर निकाल दो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वहां पहले क्या निकाला था? 1/v निकाला था ना तुमने? ऑल राइट, वी तुमने फाइंड किया था, वी तुम्हारे आ गया था। ओके वी तुम्हारे पास है, यू तुम्हारे पास है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी बाई यू और एच डैश बाई एच। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक बात बताओ आप, मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो आपके पास नहीं है और आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ इमेज निकालनी है ना। ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ये नहीं है। तो हम इतना फार्मूला यूज करें इसमें से, ध्यान दो आप दोनों थोड़ा सेपरेट सेपरेट बैठ जाओ, ये इतना फार्मूला यूज करें, तीन वैल्यू डाल देते हैं, फोर्थ वाली हमारी आ जाएगी। ठीक है, इस यहां पर चार वैल्यूज हैं जिसमें से तीन हमारे पास है, फोर्थ हमें फाइंड करनी है। जो तीन वैल्यू हमारे पास है वो डाल देते हैं, फोर्थ अपने आप कैलकुलेट होकर निकल जाएगी वहां से। ठीक है राइट, क्योंकि हमें एच डैश फाइंड करना है बच्चों, राइट, और तीन वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो फोर्थ वन निकल जाएगी। इन्होंने वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी वी इंटू एच अपॉन यू, ये ऐसे निकला। पहले मैग्निफिकेशन निकालना चाह रहे हो, क्यों बच्चों क्यों? डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या फायदा? गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा, पर इसमें कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कैलकुलेशन करोगे, फिर यहां डाल के कैलकुलेशन करोगे। भाई ये बातें मत करो, एक खड़ा हो जाना से इधर बैठे। समझ गए, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब।